2 नवंबर 2019। दोस्तों आप सभी को याद होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2019 हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने ये फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट बताई गई थी वो 22 नवंबर 2019 बताई गई थी कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल लेक्चर के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, बहुत ज़रूरी अपडेट आई है। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिम गुरु जी में। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और कॉमर्स की वैकेंसी निकली थी, तो दोस्तों इसमें जो आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये भर्ती है ये अब रद्द हो चुकी है, इसमें अब नई नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा जो 18 नवंबर को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें जो आपके आरएनपी रूल थे उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों बदलाव ये था कि थर्ड और फोर्थ क्लास की नौकरी पाने के लिए हिमाचली और गैर हिमाचली के ऊपर एक मुद्दा कैबिनेट में गया था। तो दोस्तों इसमें एक डिक्लेयर हो गया था कि जो हिमाचल में फोर्थ क्लास के लिए 8th और 9th पास होना चाहिए और जो आपका थर्ड क्लास के लिए वो आपका 10th और +2 हिमाचल के स्कूलों से ही पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें ये कंडीशन लगाई गई है। तो दोस्तों इस कंडीशन को देखते हुए ये जो वैकेंसी है ये कैंसिल कर दी गई है, अब इसको नए सिरे से भरी जाएगी। इसमें क्या नया बदलाव होता है, अब कब से इसकी डेट निकलती है दोस्तों, वो तो अब नई डेट के बाद ही पता चलेगा कि जब इसका नई नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों जिस जिस लोगों ने ये फॉर्म फिल किए हैं उन लोगों ने फीस भी जमा कर दी होगी। तो दोस्तों इसके बारे में क्या आगे अपडेट आती है, या हिमाचली के फॉर्म ही लिए जाएंगे और अदर हिमाचली जो गैर हिमाचली है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर फॉर्म को जो है फिर से भरने की जो डेट आएगी। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी नई डेट आएगी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये मैं आपको बता दूंगा कि जो इनकी डेट थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, अब ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे आप लोग, और इसके लिए दोस्तों अब आपके लिए नए तरीके से फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये हिमाचलियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इसमें गैर हिमाचली फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसकी नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ जो आज नोटिफिकेशन निकली है कि इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये न्यू जो आज अपडेट आई है ये 19 नवंबर की अपडेट है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आई है, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है उनकी ओर से ये एडवर्टाइजमेंट आई है। इसमें दोस्तों यहाँ पे साफ दिया है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस क्लास 3rd और 4th पोस्ट सर्विस विड्रॉल ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस रिगार्डिंग। इसमें साफ दिया गया है कि आपको जो ये विड्रॉल कर दी गई है, अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ओपी भंडारी यहाँ पे जो डिप्टी सेक्रेटरी है आपके उनके यहाँ पे सिग्नेचर है और यहाँ पे डेट 19 नवंबर 2019 की भी दी गई है। आप इसको दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, यदि मैं इसको पूरा पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और ये क्यों फिल नहीं की जाएगी। दोस्तों फिल तो की जाएगी बट इसमें अब नया प्रोसीजर लागू होगा, उस हिसाब से ये अब फिल की जाएगी। आई होप दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसकी जो नई अपडेट है वो दोस्तों जल्द ही आएगी, जैसे ही आएगी मैं आपको सबसे पहले वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अभी आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं इसकी अगली नोटिफिकेशन लाऊंगा आपको तुरंत उसकी खबर लग सके। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।